ननू लाइट जला दो सामने से, अभी धूप थी अभी अंधेरा हो गया। हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको, कैसे हो आप? से उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे से हो गए। नीचे वाला था जानबूझ के वो छोटी लाइट जलाती है। अभी जस्ट नहा करके आई हूँ, मम्मी नहा रही हैं और नन्नू जी नहाने की जिद कर रही, बट मैंने कहा कल नहाना है ना सोना, कल सर धुल के नहाना अच्छे से, कल कपड़े पहन नन्नू वन्नू ठीक है। नन्नू मेरी बहुत अच्छी है, उसको डेली नहाना रहता है, बट तबीयत नहीं सही है ना इस वजह। वैसे बच्चे होते कहते मैं नहीं नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा, बट जो नन्नू है मेरी उसको डेली नहाना रहता है मेरी सोना। पर कल राम जी का स्वागत करेगी नहा के अच्छे से, है ना सोना। आज है 21 जनवरी, कल है 22 जनवरी, कल जो है राम जी आ रहे हैं। नन्नू का मूड अपसेट है थोड़ा सा, घर की हालत बहुत खराब है, चाहे जितनी सुधारो सही नहीं होती है। और आज तो ऐसा लग रहा मेरे घर में शादी है, फंक्शन है, क्या है ये देखो पूरे घर की हालत। तो ये आ गए हमारे कन्हैया जी, सो रहे हमारे कन्हैया जी, और राधा रानी आ गई हमारी, ये देखो ये। आज एकादशी भी है तो मम्मी का व्रत है, तो वो पूजा करेंगी ना करके। और इधर इंडक्शन पे चढ़ाया है कुकर, इसमें क्योंकि गैस वाला भी आएगा थोड़ी देर में, उसने बात की है, मिल ही नहीं रही है गैस की, ऐसी शॉर्टेज हो जाएगी पता नहीं था। मम्मी का ख़त्म होते तुरंत आ गया मेरे यहाँ, तो फिर आ नहीं रहा है। और फाइनली आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एकदम रौनक रौनक सी लग रही है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। काजल भी पास है, नन्नू के चाची चाचू आ गए, तो नन्नू इतनी खुश है, इतनी हैप्पी, इतनी एक्साइटेड है कि क्या ही बोलूँ। पटना सोना लाइट गई क्या? यहाँ पर कर दी मम्मी ने पूजा एकादशी की, और नन्नू कार्टून देख रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। और ये रही राधा रानी, सौम्या लेकर के आई थी, और ये मैं लाई थी वृंदावन से, जिनको नहीं उन्हीं बरसाने से लेकर के आई थी, जिनको नहीं पता बता दूं। और ये है काजल के लड्डू गोपाल जी, और ये हैं हम सब के, मतलब एक आपको उसके लिए बता रही हूँ पहचान के लिए, लड्डू गोपाल जी तो हम सब के ही हैं। तो आज इनकी भी पूजा हो गई है। एक्चुअली हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है कुछ दिनों से, मैं भी नहीं कर रही हूँ, काजल भी नहीं कर रही है, तो उस वजह से अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। तो आज एकादशी थी तो मम्मी ने कहा मैं कर दूँगी, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा कर दी है, और इधर मंदिर की भी पूजा हो गई है आज 2-4 दिन बाद। जैसे मैंने कहा था ना, मुझे पूजा किए बिना बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है, बट फिर ऐसी टोक लग जाती है बातों में, पता नहीं क्या हो जाता है, फिर मैंने पूजा ही नहीं कर पाई उस दिन के बाद से। अभी हम लोग जा रहे हैं काजल जी के यहाँ पे, तो बोलते थे मम्मी के यहाँ पे जा रहे हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं काजल जी के यहाँ पे। बहुत ठंड है बाहर भाई साहब, इतनी भयानक हवा चल रही है, लिटरली क्या ही बताऊँ। काजल का वीडियो कॉल आया था, दिखा तो रही थी, उसने काफ़ी सारा काम कर लिया, अब देखती हूँ जाके। हम लोग फुर्सत हुए चले आए, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है और गैस वाला भी अभी तक नहीं आ रहा है, तो यही लोचा होके रह गया अभी हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। हाँ जी आ जाए, मालकिन जी कहाँ है? धूप सेक रही नहा रही हैं, हम कहे कहीं धीरे धीरे करके पूरे मोहल्ले के इकट्ठे ना हो यार मम्मी के। मतलब गोपाल जी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कोई है तो यही के नीचे पर जाते हैं। तो आई कसम तो देखो जे तो आई मम्मी वाले तो गए, और भैया भी बैग में डाल रहे थे रात भर, हाँ लौटे हमसे काजल का है बंदा गोपाल जी, हमने कही हमने कही मम्मी अच्छी बनी चीजों ना सब अच्छा नहीं, हम पूजा ना कर पाते क्योंकि हमारी तबीयत ही ना सही थी, सही इनकी तो पूजा सही जाए तो रख के जाओ करो, तो मैं बोल के गई थी मम्मी चूहे बहुत है तो रखने का कोई फायदा नहीं, लक्ष्मी गणेश जी तो बिल्कुल कहा पड़ गई, चलो वैसे कुछ भी पैसे नहीं, अब की इच्छा सब कुछ हुआ सब सही सही हो रहा। अब दिक्कत ये हम लोग पूजा नहीं कर सकते, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, तो थोड़ा काम कम हो जाए, चलो कर लो पूजा यहाँ कर लो वहाँ। अब ना दिन फोन आ गया पूजा मत करना, रे हमने कहा चलो भाई क्यों नहीं करना, जैसी इच्छा नहीं जी, देखो अपने लिए भाव होता है तो हमने ये सब बता दिए, नहीं मान कसम। और हम ढोलक लग रहे दोनों ढोलक है, बड़ी ढोलक एक छोटी ढोलक, ये क्या सुखाई है धुल के? हाँ धुली हुई थी ना, डाल दी धूप थी तो मैंने इस जो बदबू आ रही होगी वो निकल जाएगी, अभी हटा के रखूंगी। नन्नू लो बेटा, नन्नू लो चाची ने एप्पल काट दिया, एप्पल खाओ दे दो ऐसे ही, एप्पल खाओ बेटा एप्पल,
एप्पल ईट करो ये ज्यादा कचौड़े दिन बन रहे हैं। एप्पल ईट करो दादी को दे देना एक तो चाची जी ने खा लिए चाची जी ने मजा आ रही तुम्हें सबसे ज्यादा मजा तुम्हें आ रही है सुन सबसे ज्यादा मजा आ रही देखा कौन आ रहा कौन आया कौन आया पीछे देखो पीछे कौन है ये पीछे देखो पीछे अरे यार रहने ना यार कौन पीछे क्या रख दिया हेलमेट कैसे ले बाइक बताओ चलते हैं और जी हाय हाय मजे हैं देवरानी बनाए दुखामी खाए ये ज्यादा खाए तो मंगाए दिए अपने घर से हाय जी बने भैया देखना कैसी बने कुछ डाला नहीं चीनी भी नहीं क्या पी रहे हाँ यार बचपन से कड़वा तेल खा रहे हमने डालडा कड़वा तेल का जमाना भूल गए तुम क्या खा रहे बटर खाते आए बचपन से अरे हटो तुम लला दीदी आप कुछ दे हम इसमें दिन बताओ किसी में भी दे दो किसी में भी बताओ ना अरे ऐसे ही दे दो ना हटो बैठ जाते नन्नू नहीं 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 भैया आप बैठो इनका नाम पता क्या है ये लो नहीं तू नहीं पकड़ पा मेरे बाल मैं बताऊं इनका नाम क्या है इनका इनके बाल देखो बेटे कैसे ऐसे कर ले बस जाके मारेंगे इसे थोड़े से छुपे क्या छुपे क्या रहे छुपे क्या रहे थोड़े दिखा तो ऐसे कर ले अच्छा चले चलो चलो पापा गोदी उठा रहा है पूरा दिन निकल गया तुम्हें तैयारियों में कल हम तैयारी इसके लिए तो पूरी रात निकाल दे क्यों रमन जी वो भैया बरात है मम्मी को टेंशन हो रही है कुछ खिला दे खिला दे छो ना मारो नहीं बेटू बड़े हैं गलत बात चाचू है तुम तो एकदम चाचू फ्रेंड समझ रही समझने दो चाची समझ ले तुम पहले समझने दो चाची को बैठो पहले चाची को नहीं मारना बेटा सुनो नन्नू ठंड है दो दो भालू दोनों घूम रहे हैं आलू से देखो कल की तैयारी हो रही है जोर शोर से पहचाने लाइट जल रही किचन की दीदी ने लगाया ड्यूटी पे रमन खा रहे तो नहीं बना रही नहीं खाना नहीं बना रहे होंगे अरे ऐसी कुछ कर रहे होंगे क्या है छोटी थी है ना और क्या नाम है अरे जैसे लाइव बोल रहा हूँ छोटा था हेलो हाँ आप तो ले लो कैसे ले लो इतनी गुंडे जी का रही थी आपका बता रहे कैसे तुम्हें थोड़ी ना बुलाया तुम सुना कहीं मैं तुम भी तुमसे क्यों सुना बेटो हो गया तुम्हारा चलो यार जल्दी लेट भी हो रहा है बहुत काम है अभी क्यों नन्नू चलो नन्नू क्या तुम क्यों मेरी लड़की को परेशान कर रहा था यार कहाँ परेशान कर रहे हैं पापा है चलो अंदर आ जाए तुम भी जैकेट दूसरी पहनो बाहर ठंड है
अब इन्हें एक बार नहीं पहनी भाई, ये पहन के देख लो तुम पहले, फिर हम बाहर जा रहे हैं। नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, बेकार है। तुम मार पाओगे? मेरे नहीं मार पाएंगे। बेटू बेइज्जती हो रही है। मेरे मार के बाद चाचू ने अपने आप मार लिया। मेरे नहीं मार पाओगे तुम। वो मार 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 रही है आपके। इतनी सही बात है ना, अपने आप मार लिया। क्या हो गया पहन लो, क्या दिक्कत है? कौन भैया? नहीं, तुमने कहा वो वैसे भैया नहीं है, साढ़े साढ़ा है। क्यों, तुम क्या कह रहे थे? क्या कपड़ा पहने तुम काजल से? हाँ जब पेंट है काजल, हमें 20 साल भेज के पेंट रंग वाली पेंट मेरी पहन लेती है। अच्छा तेरे को रमन चाचू से वही सवाल पूछता हूँ, बताना मैं तुम, ठीक है? देखते हैं रमन, बताओ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांतों का कलर कैसा होगा? बच्चे के दांत ही नहीं होते। लो तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं दे पाया, बस मैं तो बोला मुझे बताई नहीं। ठीक है, तुम पूरे नरदौली में फेमस हो जाओगे, तुम लात मत मार दी हो। सब घूम रहे तो यहाँ पर हम सारे लोग आ गए, हम लोगों को जो भी तैयारी करनी थी, कल के शॉपिंग करनी थी, वो हमने कर ली है। और मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा रौनक थी, चारों तरफ सजावट थी और दिवाली से भी अच्छा माहौल आप कह लीजिए कि लग रहा था। चारों तरफ भगवाई भगवा झंडे लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले तो सोच रहे थे कि क्यों आ गए, फिर मेरा जैसे मतलब कुछ खास काम नहीं था, ये लोग भी आ सकते थे, बट फिर ये था ना, ये रौनक नहीं देख पाते। उसके बाद फिर घर आए तो इन भैया का व्रत था, तो हम लोगों ने भी जो मम्मी ने तब तक खिचड़ी बना के रख ली थी, मम्मी का भी व्रत था और भैया का भी व्रत था, तो हम सारे लोगों ने साबूदाना की जो खिचड़ी थी वो भी खा ली, मैंने भी थोड़ी सी ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट है साबूदाना की खिचड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, आप लोग ज़रूर वेट करना, कल जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिएगा, तब तक के लिए सबको राधे राधे।